मेरे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, फेसबुक पर देखते हैं तो उसको लाइक करना ना भूलें। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं लाल मशेक पब्लिक चैनल से। दोस्तों जैसे कि जानते हो कि आज 21 तारीख है और विधानसभा चुनाव जो है महाराष्ट्र के अंदर आज हो चुका है, एक आखिरी पड़ाव था चुनाव का। और इस वक्त जो है मुमरा कौसा में जो चुनाव हुआ है, बताया जा रहा है कि 40-45% के आसपास में लगभग ये कुल मिला के हुआ है, इलेक्शन हुआ है। और ये उम्मीद इसमें तीन जो है, एक दिग्गज उम्मीदवार जो है दीपाली सैयद शिवसेना से, और एनसीपी से जितेंद्र अवार्ड जो ऑलमोस्ट 10 साल से यहाँ पर विधायक हैं अभी, और एक आम आदमी पार्टी से डॉक्टर फैजी जो है, ये भी एक इस वक्त जो है मतलब आम आदमी पार्टी का जो एक खाता जो है वो बहुत एक सही तरीके से खोला गया है यहाँ मुमरा कौसा के अंदर। ये तीन कैंडिडेट जो है एक बहुत टक्कर की जो है ये इलेक्शन जो है माना गया है मुमरा कौसा के अंदर। अभी सबकी तकदीरें जो है इन पेटियों में बंद हो गई है, और इन पेटियों में बंद होने के बाद जो है ये अपना जो मुमरा कौसा के अंदर स्टेडियम है वहाँ चली जाएगी, और वहाँ पर जो है 24 तारीख को इनकी सबकी तकदीरें खुलेंगी। और उसमें देखना मजे की बात यह है कि किसकी तकदीर जो है साथ देती है और किसकी तकदीर साथ नहीं देती है, आवाम किसको चुनी है किसको नहीं चुनी है। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज़ के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।